डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोरोना हो गया था और मुझे रिकवर होने में 20 से 21 दिन का टाइम लगा, इससे मैं रिकवर किया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि एक वीडियो बना दो और इससे यदि किसी को ज़रूरत होगी कि कैसे क्या करना चाहिए या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम कोरोना अवॉइड कर सकते हों और मुझे कैसे हो गया, तो इस सब चीज़ों की डिटेल दे देना एक छोटे से वीडियो में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे करीबन जो है 8 से 9 दिन जो है मैं घर पे रहा, ट्रीटमेंट लिया घर पर एज पर द डॉक्टर सजेशंस एडवाइस। तो उससे मुझे ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिला, मेरा फीवर नहीं गया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ 10 से 12 दिन जो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद मुझे वहाँ ट्रीटमेंट मिला, मैं आए कम रिकवर्ड। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए इनका, जो जो आपको कोरोना से बचा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में ना आए, और कोई भी पर्सन जिसको फीवर हो आ रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं या खराश है, खांसी आ रही है, उसके कांटेक्ट में कभी ना आए। यदि आप नहीं अवॉइड कर सकते क्योंकि यदि वो पेशेंट आपका भाई है या माँ है या पिताजी हैं या सिस्टर है और आप उसको असिस्ट करना है, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पीपी किट पहने और तब असिस्ट करें। पीपी किट में सारी चीज़ें होती हैं, यदि पीपी किट नहीं अवेलेबल तो आप डबल मास्क लगाएं, फेस शील्ड लगाएं, फुल स्लीव शर्ट पहने, हैंड ग्लव्स पहने, कीप योर हैंड सैनिटाइज, वॉश योर हैंड रेगुलरली, इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट अराउंड 6 फीट। ओके, एंड ध्यान रखें कि जब आप उसको असिस्ट कर रहे हैं और तो उसके पास गए हुए हैं, तो जो आपने कपड़े पहने हुए हैं आप इन कपड़ों को चेंज कर लें। जब आप वापस आ रहे हैं तो कपड़ों को चेंज कर लें और उन कपड़ों को धुल दें, ठीक है, और दूसरे फ्रेश कपड़े पहनें। क्योंकि जब आप मास्क हटाएंगे, ठीक है, फेस शील्ड हटाएंगे, तो क्या यदि इन पे कपड़ों में वायरस रह जाएगा तो आप ब्रीथिंग करें तो वो वायरस आपके साथ लंग में जा सकते हैं, आपको कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आप अपने क्लोथ्स इमीडिएटली चेंज कर लें, और यदि हो सके तो आप अपने आप को जो है यू कैन टेक अ बाथ ऑल्सो, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप कोरोना पेशेंट को अपनी कार में लेके जा रहे हैं तो ग्लास की विंडो ओपन होनी चाहिए, एसी बंद होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि उसने ग्लास विंडो क्लोज हैं और एसी चल रहा है तो उसने कोरोना पेशेंट ने खांसा या कुछ कफ आया, जो भी वट एवर, या ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो आपकी एसी की एयर में सर्कुलेट होकर आप जो भी कार में और बैठे हुए हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है। कोरोना अधिकार में है तो कोरोना पेशेंट का रूम, कोरोना पेशेंट को कम्प्लीटली आइसोलेशन चाहिए, आप उसको आइसोलेट करके रखें और उसको बाहर से ही उसको टेक केयर करें, ठीक है। उसके कमरे की वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, जो विंडो है वो बाहर की तरफ खुलनी चाहिए, सो दैट कि उसकी जो हवा है वो हमारे घर के अंदर ना आए, क्योंकि ये ईयर की वजह से भी संक्रमण फैलता है और आपके घर के और सदस्यों को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है। और यदि कोशिश हो कि कोरोना पेशेंट का रूम अलग हो तो वो बहुत बेहतर है, बेटर रहेगा। एंड थोड़ा सा कूल प्लेस पे भी होना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर सही रहे। टुडे 90% जो फीवर है या कफ है, डायरिया, वो कोरोना के ही सिम्टम है। इसलिए यदि पॉसिबल हो तो आप मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी डिले, कोई भी देरी लगाए हुए आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर लें, डॉक्टर से बात करें, एंड कोरोना का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो तुरंत कराएं, ठीक है। कभी कभी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आती है एंड सिम्टम्स देर में बिल्डअप होते हैं, तो उस केस में भी आप जो है ना अपना ये रिस्क ना लें, क्योंकि रिस्क लेना बड़ा ख़तरनाक है। यदि आपने डिले हो गया तो ये इट कैन बिकम ए वेरी डेंजरस। तो आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट करा लें और उसका वेट ना करें, आप ट्रीटमेंट ले लें। 4 से 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और इससे के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट तुरंत ले लें। मेडिकल शॉप में इसकी प्रिस्क्राइब मेडिसन हैं या डॉक्टर से बात कर लें, वो आपको मिल जाएंगी, आप जो है उसको ले सकते हैं। और यदि आप अवॉइड कि हम जो 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 सेकेंड या थर्ड फेज में ना पहुँचें, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है, और आप अपने डॉक्टर से बात कर लें। और आपने घर में 3 चीज़ें जरूर रखें। नंबर 1 थर्मामीटर,
जिससे आप अपना टेम्परेचर और अपने घर के जो कोई बन सदस्य हैं उनके टेम्परेचर लगता है कि यदि उनको कुछ ऐसा इन्फेक्टेड है तो उनको टेम्परेचर से ट्रैक कर सकते हैं। और यदि आपका फीवर कंटिन्यूसली 99.5 और 100 तक पहुंच रहा है या इससे ऊपर जा रहा है तो आप समझिए कि आप कोरोना संक्रमित हो रहे हैं या हो गए हैं, जो भी वट एवर, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड मेडिसिन स्टार्ट करें। पल्स ऑक्सीमीटर रखें, यदि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आप अपना सेचुरेशन लेवल नापें, क्योंकि सेचुरेशन लेवल एक लिमिट के बाद नीचे जाने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होती है रिकवर करने में, इसलिए आप सेचुरेशन लेवल को आपको मॉनिटर करते रहें। स्टीमर और जो ऑक्सीमीटर है उसको आप ऑक्सीजन लेवल आप 3 से 4 बार 4-5 बार दिन में नापें अपना, एवरी 4 आवर्स, ठीक है। स्टीमर आप रखें आप, और स्टीमर्स में विक्स लगा के उसकी स्टीम लें 15-20 मिनट्स की, 2 से 3 बार ले सकते हैं आप दिन में। यदि आप बी पी सी के पेशेंट हैं तो उनको भी आप ट्रैक करते रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आपको पॉजिटिव रखें, ठीक है ना, कि और अपनी हिम्मत बना के रखें कि यदि आपको कोरोना हो गया है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप कभी भी नर्वस ना हो, घबराएं नहीं। एक तो घबराने से जो है, और एनजाइटी चिंता करने से सैचुरेशन लेवल डाउन होता है और उससे और घबराहट बढ़ती है, तो ये कभी ना करें। आप हिम्मत रखें, पॉजिटिव रहें, ठीक है ना, इससे आपको हिम्मत मिलती है और आप अपने सारे, क्योंकि कोरोना पेशेंट को सारे काम अपने आप से खुद ही करने पड़ते हैं, ज़्यादातर काम जो भी है ना, अपने सारे पॉट्स वगैरह या अपने क्लोथ्स वगैरह खुद ही वॉश करने पड़ते हैं, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने रूम की क्लीनिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। अपनी डाइट में ध्यान रखें कि हाई प्रोटीन डाइट लें, और जैसे दाल हुआ, राजमा हुए, छोले हुए, चना चना हुए, मूंग की दाल हुई, अरहर की दाल हुई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितनी भी दाल हैं वो सारी प्रोटीन डाइट होती हैं, तो आप ये लें, ठीक है। पनीर खाएं आप, ठीक है, सोया न्यूट्रीला वगैरह खाएं, ठीक है। एंड यदि आप एग खाते हैं तो एग भी लें, एग खाएं, एंड चिकन खाते हैं तो ये सब खाते हैं तो आप इसको यूज़ करें, ये हाई प्रोटीन डाइट है, आप इसको लंच और डिनर दोनों में लें। रात में हल्दी वाला मिल्क पिएं, सुबह शाम 30 मिनट की वॉक जरूर करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वॉक जरूर करें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3 to 4 times डेली करें, 3 to 4 times एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट से पहले कर लें, लंच से पहले कर लें, एक बार जो है डिनर से पहले कर लें, और एक बार सोने से पहले कर लें। तो इस तरह से आप 15-20 मिनट की ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली जरूर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लंग की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है आप जो है नोज से डीप इनहेल करें, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड, 4-5 सेकेंड एंड देन रिलीज, सो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और ये कोरोना जो है मेनली लंग को इम्पैक्ट डालता है, यदि लंग खराब हो जाते हैं, लंग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और तो दूसरी चीज़ों की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने ऑक्सीजन लेवल या एक्सरे या सीटी स्कैन जरूर चेक कराएं, यदि आपको फर्दर यदि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है या फीवर नहीं जा रहा होता है आफ्टर 8 to 9 days। थोड़ा ये समय कोरोना टाइम बहुत ही कठिन टाइम चल रहा है, ठीक है, इसको लाइट बिल्कुल ना लें, ठीक है, प्रिकॉशंस रखें, प्रिकॉशन से ही आप बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी अपनी बिल्डअप करें, ठीक है, अपने फैमिली की इम्यूनिटी बिल्डअप करें, फैमिली को इनक्रेज करें कि वो जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है, अच्छा खाना खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, और अच्छा लाइफ स्टाइल रखें, सुबह सही टाइम पर जागें, रात में सही टाइम पर सोएं, स्लीपिंग अच्छी लें। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर, ठीक है, स्टे सेफ, स्ट्रांग एंड हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।